क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड डी वाई डी एक्स. फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू x cos ऑफ y. डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x. चलें स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. तो डिफरेंशिएट, हम फंक्शन लिख लेते हैं y इज इक्वल टू x cos ऑफ y, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड. डेरिवेटिव लेते हैं डी वाई ओवर डी एक्स. राइट साइड से भी डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं, x डॉट cos ऑफ y. तो हमारे पास देखिए दो फंक्शंस हैं, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन. हम जानते हैं कि जब दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं तो प्रोडक्ट फार्मूला लगाना होता है. तो प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है? पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर प्लस का साइन, सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव. तो ये x तो एज इट इज आ गया. कॉस एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका फार्मूला होता है माइनस साइन, माइनस साइन ऑफ y. अब विदाउट कॉस डेरिवेटिव लेंगे, विदाउट कॉस यानी y का डेरिवेटिव आ जाएगा x की रिस्पेक्ट में, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस कॉस ऑफ y. x की रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव होता है 1. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन तो माइनस x साइन ऑफ y डी वाई ओवर डी एक्स प्लस कॉस ऑफ y. और ये लेफ्ट साइड पे मेरे पास मौजूद था डी वाई ओवर डी एक्स, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ और यहाँ पे भी लिख देता हूँ डी वाई ओवर डी एक्स. अब मैं डी वाई डी एक्स वाली जो टर्म है उनको इकट्ठा कर लेता हूँ. तो देखें यहाँ लेफ्ट साइड पे एक टर्म मौजूद है, ये डी वाई डी एक्स और ये एक डी वाई डी एक्स है, इनको इकट्ठा कर लेते हैं. तो इस टर्म को मैं इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, जैसे ये टर्म इस तरफ आएगी तो प्लस का साइन में चेंज हो जाएगी. तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स साइन ऑफ वाई डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू कॉज ऑफ वाई. तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन आ जाएगा डी वाई डी एक्स. तो यहाँ से बन जाएगा 1 प्लस एक्स साइन ऑफ वाई और ये डी वाई डी एक्स आ गया कॉमन, जो कि इक्वल हो जाएगा कॉज ऑफ वाई. अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारा मकसद क्या है, हमें फाइंड क्या करना है. हमें फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, इसलिए इसके साथ ये वाला जो फैक्टर मौजूद है ये यहाँ पे जरब हो रहा है, तो दूसरी साइड पे इसको शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा. तो ये कॉज ऑफ वाई पर डिवाइड कर दिया 1 प्लस एक्स साइन ऑफ वाई. तो हमने जो भी गिवन फंक्शन था उसको डिफ्रेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, फंक्शन गिवन है एक्स इज इक्वल टू वाई साइन ऑफ वाई. डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. चलें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. फंक्शन हमारे पास है, हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड. चलें ऑपरेटर अप्लाई करते हैं लेफ्ट साइड से, डी एक्स ओवर डी एक्स इस एक्स के ऊपर और यहाँ पर भी डी ओवर डी एक्स इंटू वाई डॉट साइन ऑफ वाई. तो ठीक है, ये डी एक्स से कैंसिल हो गया तो बाकी जस्ट वन रह गया. अब यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला यूज होगा, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन. प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव. तो यहाँ पे ये वन आ गया, वाई एज इट इज. साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज ऑफ वाई. अब विदाउट साइन y का डेरिवेटिव लेंगे तो वो बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस साइन ऑफ y एज इट इज, y का डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स. तो हम यहाँ पे देखें राइट साइड पे हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स मौजूद है, यहाँ पे भी डी वाई डी एक्स है, यहाँ पे भी डी वाई डी एक्स है. ये जो डी वाई डी एक्स है ये कॉमन टर्म है, इसमें से कॉमन ले लेता हूँ. ये बन जाएगा y cos ऑफ y प्लस साइन ऑफ y और ये डी वाई डी एक्स आ गया कॉमन. हमारा मकसद क्या है, हमें फाइंड क्या करना है? हमारा मकसद है डी वाई डी एक्स फाइंड करना, इसलिए ये सारी के सारी वैल्यू इधर जरब हो रही है. जैसे मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा तो ये डिवाइड हो जाएगी. चलें दिस इम्प्लाइज तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाता है 1 अपॉन y cos ऑफ y प्लस sin ऑफ y. तो देखिए ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसको हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स.